करनाल की अनाज मंडी में किसान अपनी गेहूं को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि रविवार को हुई बारिश में किसानों के गेहूं पानी पानी हो गई। किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनके गेहूं को लेकर मंडी में समुचित प्रबंध किए जाएं। किसानों का कहना है कि मंडी में उठान नहीं हो रहा है, जिससे रविवार को हुई बारिश से उनकी गेहूं भीग गई। रविवार को अचानक बेमौसमी बारिश ने सरकार के सभी दावे फेल कर दिए हैं। अनाज मंडी में पड़ी लाखों बोरी गेहूं उठान ना होने के कारण बारिश में भीगती नजर आई है। बताया जा रहा है कि लेबर कम होने के कारण व लॉकडाउन के चलते किसानों को दोहरी मार पड़ रही है। वहीं किसानों का यह भी कहना है कि पहले ही गेहूं की कटाई देर से शुरू हुई है, बड़ी मुश्किल से कंबाइन मिली है और वहीं इस बार लेबर भी कम है। देखिए एक रिपोर्ट। तो ये कितनी मार है? मौसम की खराबी की वजह से अनाज भीगा है, जो किसान के पास पड़ा है वो किसान का भीग गया, जो व्यापारी के पास आढ़ती के पास पड़ा है सरकार का गेहूं वो आढ़ती का भीग गया। अब इसको सुखा के भेजना पड़ेगा, दोबारा इसकी लेबर जो है वो डबल लग जाएगी हमारे को। इस बार लेबर भी कम है? लेबर वैसे ही कम है, जो माल पहले काम चल रहा है वो भी बहुत धीमी गति से चल रहा था। लेबर जितनी हर आड़ती के पास होती है उससे 50% लेबर है। किसानों को डबल मार पड़ रही इस बार पहले लॉकडाउन के चक्कर में। किसानों की पहले फसल देरी से कटी, काटने के बाद उनको घर में घेरनी पड़ी, फिर वो लेबर लगा के लेके आए, अब उस लेके जाने आने के बाद यहाँ भी भीगी, तो वो लेबर बार बार लग रही है और बार बार दाने अनाज खराब हो रहा है, उनका भी नुकसान है और आड़ती का भी नुकसान है और सरकार का भी नुकसान हो ही रहा है। जो अनाज भीजा है भीगी गेहूं, ये काफी खराब भी हो सकती है। खराब हो सकती है, लेकिन उसको सुखाने का प्रयत्न करेंगे सभी आड़ती लोग, लेबर के आदमी हैं सभी मिलके इसको साफ करने की, इसको सुखाने की कोशिश करेंगे। ये तो भगवान की लीला है जी, नुकसान तो है ही है, जमींदार का तो हो रखा है, आड़तियों का भी हो रहा है, अब डबल डबल हो रहा है। बरसात आने की वजह से सब नई तरपाले ले आके ऊपर ढक रहे हैं, लेबर भी लगेगी डबल डबल। किसानों पे डबल मार, तो किसानों पे तो है ही है, अब आड़तियों पे भी है। हाँ जी, लेबर बहुत कम है जी, इधर उधर से पकड़ के चला रहे हैं काम जैसे तैसे, क्योंकि लेबर जो परमानेंट थी वो तो यूपी बिहार से आई नहीं, इधर जो थोड़े बहुत थे पकड़ पकड़ के आदमी तो काम तो चला ही रहे हैं। तो कोरोना की मार भी पड़ी कहीं ना कहीं? सारी कोरोना की मार है, नहीं तो अब तक तो ये सब खत्म हो जाता, सीजन खत्म हो जाता। देरी से आई है मंडियों में? मंडियों में कुछ मौसम खराब रहा ना उसकी वजह से, नहीं तो 15 को अगर खरीद शुरू होती। आज भीगी है गेहूं, इसका कब क्या करेंगे? ये तो सूख जाएगी जी, थोड़ा ये मौसम साफ होगा ना, हवा चलेगी, धूप निकलेगी, तो ये ठीक हो जाएगा। इसके लिए मेन तो डबल खर्चा तो हो ही गया जी, लेबर का खर्चा तो बढ़ेगा। खराब भी हो जाएगी नहीं? खराब का तो कम ही चांस है जी, अगर कहीं कोई नीची जगह पे है पानी आ जाए तो बात अलग है, यहाँ तो बिल्कुल पूरा पक्का, यहाँ कोई खराबी वाली बात नहीं। सादा सी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.